हाय फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, ये बाल से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट ये बाल बन के तैयार होता है। किस चीज़ से बना है आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें 1 चम्मच जीरा डालिए और ये पत्ता गोभी और गाजर है, इसको छोटा छोटा महीन पीस काट लीजिए या कद्दूकस में घीस लीजिए। इसमें कटा हुआ प्याज डालिए, जीरा डालिए और पत्ता गोभी डाल दीजिए। बहुत ही आपको क्रंची नहीं करना है, हल्का सा बस इसको भूनना है। भूनने के बाद उबला हुआ आलू 2-3 लीजिए, डाल दीजिए। फिर छोटा छोटा कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दीजिए। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चला करके भून लीजिए। अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकती हैं, नमक डाल दीजिए। और भुनी हुई मूंगफली उसका छिलका हटा करके दरदरा इसको कूट लेना है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, मोटा रहे, क्योंकि जब ये मुँह में आता है तो बहुत ही अच्छा इसका सोना सोना टेस्ट लगता है। एक बार अवश्य बनाइएगा। इस तरह से आपने नहीं बनाया होगा बाल्स, अगर बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ब्रेड लीजिए, ब्रेड को अच्छी तरह से पानी में धुल दीजिए। धुलने के बाद इसका हाथ में ले करके पानी निचोड़ दीजिए। इसमें किनारा जो ब्राउन कलर का है उसको आपको नहीं निकालना है। अगर आप इसको निकाल देंगी तो इसका मज़ा बेकार हो जाएगा। जब ये दिखता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और पकने के बाद काफ़ी ये कुरकुरा महसूस होता है। बाल्स को जो है अपने हथेली पर रखिए और रोटी की तरफ फैला दीजिए। फैलाने के बाद जो भरावन बनाई है उसमें से 1 पीस आलू के आकार का लीजिए और ले करके इसको इसमें डाल करके इस तरह से देखिए फील कर दीजिए। इस तरह से हाथ से दबा दबा करके इसको फील कर दीजिए। अगर ये कहीं से फटा है तो भी निकलने का कोई चांस नहीं है, आप डरिए नहीं। इसको आराम से धीरे धीरे बना करके रख दीजिए। इस तरह से देखिए, दूसरा ब्रेड का पीस उठाइए और उसको चकले पे रोटी की तरह फैला दीजिए। फैलाने के बाद भरावन लीजिए और एक छोटे से आलू के बराबर उठाइए और इसमें डाल करके फील कर दीजिए। उसको भी इस तरह से दबा दबा करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप सारे बॉल्स इस तरह से तैयार कर लीजिए और तैयार करके इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आप फ्रीज में स्टोर कर दीजिए। फ्रीज में रख देंगी, कभी भी कोई मेहमान आएगा आपको बनाना आसान रहेगा। बस फ्रीज से निकालिए और निकाल करके इसको फ्राई करिए, चाहे शेलो फ्राई करिए या डीप फ्राई करिए। फ्राई करके हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ आप इसको परोस सकती हैं। देखिए, इस तरह से ये सारे बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। अब आप पे पैन लीजिए और उसमें आप कोई भी ऑयल डाल सकती हैं। डाल करके इसमें 1-1 बॉल डाल दीजिए। डाल करके देखिए कुरकुरा सुनहरा इसको तल लीजिए। पलट पलट करके इसको तल लीजिए। देखिए, जो ब्राउन ब्राउन कलर का ब्रेड है किनारा, वो इसमें कितना अच्छा दिख रहा है। उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही कुरकुरा बनता है, खाने में भी बहुत ही ये टेस्टी लगता है। हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ आप मेहमानों को परोसिए। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, बिना मसाले का ये ब्रेड बॉल्स तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट ये ब्रेड बॉल्स बनता है।